अंकल जी 400 पार तो नहीं मिला। 400 पार मिलना भाई। एक बात सुनते रहिएगा दीदी। ए दीदी खेला हो बे। उधर से ममता जी कहती है क्या मालूम है, मोदी जी मोदी भैया खेला हो बे, लेकिन तू ना रो बे। ला थप्पा मार दिस मोदी भैया को, दो घंटा तक आसमान में उड़ा के रखीस। कह इसके मोदी भैया अमित शाह उपड़े में रहो, नीचे आने का जरूरत नहीं है। दो घंटा के बाद उसका प्लेन लैंड किया और तब जाके वो प्रचार की। फिर वे वही शादी प्रज्ञा ना मालेगा बम ब्लास्ट के अंदर से अंदर गई भी थी। अब तो फिर अमित शाह जी ये क्यों कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो 15 लाख की जो बात थी वो हमने जुमला गई थी? नहीं नहीं, ये मैं देखा नहीं समझे। और आप कितने पे? 500 पे। एक बाबू ने ऐसा डिमांड कर दिया कि मोदी जी कहने का मतलब है बार बार चक्कर खा के। फिर नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमें रेल मंत्री बनना है, फिर चक्कर खा के। फिर कहा कि मोदी जी जी ने कुछ नहीं कहा। 400 पार के नारे गएगा भाई 400 पार। वीर जी 400 पार कहाँ गया वीर जी? 400 पार आ गया। तो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? बार बार बैठ के सोच रहे हैं, टीवी पे सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। उधर से योगी जी नहीं कुछ बोल पा रहे, कह रहे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है? साबिर। साबिर नाम है, कहाँ से? बिहार से। बिहार में तो तलवार लटकी पड़ी है कि बिहार का नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं पलटेंगे, अभी सबसे बड़ा डाउट है। सबसे बड़ा डाउट है आपको नीतीश कुमार जी का? सब मैं कहूँगा कि कोई भरोसा नहीं है, ठीक है जी। वो कहने का मतलब है कब क्या कर बैठेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर से स्टार्ट करेंगे। बोलो। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी आप नीतीश बाबू का डिमांड तो पूरा कीजिए। जो नीतीश बाबू ने डिमांड किया है, नीतीश बाबू ने ऐसा डिमांड कर दिया कि मोदी जी कहने का मतलब है बार बार चक्कर खा के। फिर नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमें रेल मंत्री बनना है, फिर चक्कर खा के। फिर कहा कि मोदी जी आपने 2014 में कहा था कि अगर हमें वोट दो, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश जी ने डिमांड किया, फिर चक्कर खा के गिर गए। अरे मोदी जी क्या हो रहा है, बार बार चक्कर खा के क्यों गिर रहे हैं आप? हमें समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या हो रहा है ऐसा आपके साथ? क्या पता गर्मी ज्यादा बढ़ गई है या मांग ऐसी कर ली है। तो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? बार बार बैठ के सोच रहे हैं, टीवी पे सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। उधर से योगी जी नहीं कुछ बोल पा रहे, कह रहे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह ने मेरे साथ खेला किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं अमित शाह को, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा खेला 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 आप सुनिए क्या किया है उन्होंने खेला। नया नया उम्मीदवार को, 35 कैंडिडेट को, कहने का मतलब है अमित शाह जी ने खड़ा करवा दिया यूपी के अंदर में। और योगी जी ने कहा कि नए कैंडिडेट को खड़ा मत करवाओ, नहीं तो मेरा लोटिया डोल हो जाएगा। अमित शाह ने कहा है चुप करने का मतलब हम है ना गृह मंत्री, हम ना डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है। बस उसके बाद से कहने का मतलब है, हाँ वही तरी पार कहने का मतलब है। तो योगी जी ने कुछ नहीं कहा। 400 पार के नारे गएगा भाई 400 पार। वीर जी 400 पार कहाँ गया वीर जी? 400 पार तू जो बिकने वाला है साल में 1 लाख रुपया और 10 किलो दाना पे, समझे? बिकने वाला है मैं बिकने 5 किलो दाना पे, नहीं बिकने वाला है 10 रुपया किलो दाना पे, नहीं बिकने वाला हूँ। और आप कितने पे? 500 पे। एक भी पे? अरे 5 लाख पे नहीं, तुम्हारे जैसे धोखाबाज कोई नहीं है। क्यों हार गए?
क्यों ऐसा नौबत आ गया? अरे भैया पहले बता दिया था 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मेरी अंकल लड़ी थी, पता चल जाती 1.5 पे आ गया 5 से। तो कहने का मतलब है अंकल जी 400 पार तो नहीं मिला? 400 पार मिला। मोदी जी 56 इंच का कलेजा है मेरा, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। एक अकेला सब पे भारी 240 कितने पे है जोड़े में लगे 272 आदमी को बदान में अब पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। अरे पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। तू जो कौन चाहता है 240 बार आता है कि 99 आता है? बच्चों को दे दिया चले बेटा। तो सरकार 240 अगर आपने लाया तो परेशानी क्या हो रही है? कर दो तो सरकार बन गया, बन गया। ये बताओ कोई परेशानी नहीं है? परेशानी 99 वालों को हो रही है, 240 वालों को नहीं हो रही है। 240 वाले को कोई परेशानी ना है। वालों ने पटाखे फोड़े हैं, समझा? 99 वालों ने पटाखे फोड़ा, 240 वालों क्या हुआ? चेहरे पे परेशानी, माथे पे परेशानी है। 370। अरे भैया एक बात बोल देता हूँ, तेरे को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री समझा? पाकिस्तान एक बिहाई वाला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान तेरे को नहीं बनने दूंगा। ये बात बोला कौन है? 400 बार के नारे थे वो गए कहाँ? देख भाई एक मिनट बोलने दो, आराम से बोल। 1 लाख रुपया लेडीज के खाते में समझे, साल में एक बार देगा। वहाँ लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है जरा जाए। लेकिन ये 24 से पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी 15 लाख की बात कहीं ना कहीं थी भैया। 15 लाख रुपया जनता 15 लाख के लिए आई थी। एक मिनट बोलने तो जी, ये ने मोदी जी बोले थे सब 15 लाख दूंगा। काला धन जो है बाहर में, अपनी बात पर रहिएगा। हाँ तो फिर अमित शाह जी ये क्यों कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो 15 लाख की जो बात थी वो हमने जुमला गई थी? नहीं ये मैं देखा नहीं। समझा? हिला दूंगा। खड़ा होता है ना तो बीवी रहती संग में। अरे जो एक बात बताइए, एक और सवाल। अच्छा अयोध्या में वोट क्यों कट गया भैया? भाई एक बात बोलूं, मैं बोले 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मोदी। एक लाख रुपया साल में बोला था मैं दूंगा लेडीज को। एक बात बताओ, 10 किलो दादा पे यदि मैं 5 शादी कर लूं, 5 के जोर लगा लो कितना होता है? 8.5 हजार का हो गया। 5 शादी कर लो, ये लोग सोचता है क्या? 5 शादी कर लो, 18 बच्चे जलवा लो, इसमें मैं फायदा रहूंगा। 5 लाख रुपया मेरे साल में। इसलिए सबसे ज्यादा आबादी तुम्हारा है? नहीं, मोदी हर गुरुद्वारे में गए, हर गुरुद्वारे में उसने मत्था टेका है। कभी कांग्रेस ने देखा कोई गुरुद्वारे में? आराम से बात करें ना, आराम से बात करें। राहुल गांधी को कभी गुरुद्वारे देखा? हमारे मोदी जी गुरुद्वारे में गए थे? नहीं गए। सुनो, चुनौतियों से लड़ा जाता, चूतियों से नहीं लड़ा जाता। बात खत्म करो यार। क्या भाई मोदी आपने बोला हर घर मोदी? यूपी में 1 लाख रुपए का लालच दिया गया, फर्जी वोट डलवाए, लेडीज है अभी लाइन में लगी खड़ी हुई है। 1 लाख रुपए कहाँ गए? अयोध्या में भी वही हुआ। वो 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? कटाकट 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 कहाँ गए? कटाकट कहाँ गए? कटाकट
लेकिन उन्होंने बोला सत्ता में आओगे तो दूंगा। सत्ता में आएंगे सत्ता अमृत 27 के चुनाव में आएगा सटासट। अमृतपाल जी जो कि देशद्रोह के लगा हुआ है, खालिस्तानी को उसमें लगा हुआ है, आज वो जेल से चुनाव जीत रहा है, इससे सर्वनाश पंजाब के लिए क्या होगा? जो जेल बैठा हुआ है एक खालिस्तानी आतंकवादी के उसमें आरोप में, और वो चुनाव जीत रहा है जेल से बैठ के, ये है पंजाब। आप क्या बोल रहे हो सरदार जी? और फिर वही साधी प्रज्ञा ना मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जो अंदर गई भी थी हिंदू मतलब हिंदू है। हर हर मोदी घर घर मोदी कह रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी। 73 लोगों का यही काम होता है, 73 लोगों का रस्सी जल जाए लेकिन बल्ब वही वाला बात क्या कहावत है बोलने तो खैर हम नहीं आ पा रहा है, बल्ब नहीं टूटा वही वाला। ये बीजेपी वाले का आदत है, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जहां बात की बात आएगी तो ये लोग नारा स्टार्ट कर देंगे। नारा से देश की जनता को अन्याय नहीं मिल सकता है, न्याय नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब ये 400 बार का नारा था ना, ये 400 रुपए वाला कट्टा था वो जो चलता था, उसके बाद पब्लिक जो चलाने वाला होता कहता भैया फटके फलावर हो गई, वही हाल हुआ है। बड़ा प्यार से, लेकिन बड़ा प्यार से भैया मोदी जी कहते हैं, एक बात सुनते रहिएगा, दीदी ए दीदी खेला हो बे। उधर से ममता जी कहते हैं क्या मालूम है, मोदी जी मोदी भैया खेला हो बे, लेकिन तू ना रो बे, ला थप्पा मार दिस मोदी भैया को, 2 घंटा तक आसमान में उड़ा के रखी कैसे मोदी भैया, अमित शाह ऊपरे में रहो, नीचे आने का जरूरत नहीं है। 2 घंटा के बाद उसका प्लेन लैंड किया और तब जाके वो प्रचार किया। कहने का मतलब है क्या उम्मीद है यार, क्या इज्जत है मोदी जी का, ये तो बताओ कि एक शपथ ग्रहण कौन करेगा? शपथ ग्रहण तो हम तो कह रहे हैं, सुनो, चोरी की रोटी से इज्जत की भूख भली होती है, ठीक है जी। ये जो आप सरकार बनाने जा रहे हैं ना, ये बैसाखियों बनाने जा रहे हैं। कोई आदमी कहता हो मेरा साला मैं 400 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, और उसको बोलो कि भाई जा करके लग जा लाइन में रोटी खा ले डेरी, अच्छा लगेगा उसको, उसका जमीर उसको गाली नहीं देगा कल तक। लेकिन लेकिन जिसका जमीर नहीं होता ना वो नेता होता है, ये भाई मोदी जी ने साबित कर दी, जिसका जमीर नहीं होता वो नेता होता है। कल तक जो संविधान को चेंज करने वाले यही प्रधानमंत्री मोदी जी आज के डेट में 20 बार प्रणाम कर रहे हैं संविधान को। क्या हुआ मोदी जी, इतना मोटा किताब बनाया हुआ था भाई, इतना मोटा बनाया हुआ था यार चेंज करने के लिए, मजाक नहीं है कि संविधान को चेंज करना है। अब क्या हुआ, अब तो करके दिखाओ, जरा सा भी गलत कदम उठाओगे। अभी 2 घंटे पहले तो सोच लेना क्या हाल होगा। अभी 2 घंटे पहले जो है अंबेडकर की, शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की, महात्मा गांधी की मूर्तियां वहां से उखाड़ करके पीछे की तरफ लगाई जा रही है। क्यों? मतलब आप अपनी हार से इतना बौखला गए, इतना तिल मिला गए कि आपको वो मूर्ति में लगे हुए मूर्तियां जो है जो आप कुछ कर नहीं सकती, आपको उनसे भी डर लग रहा है, इतनी बौखलाहट। गांधी जी से भी डर लग रहा है, उनके गांधी जी रहते तो उन रुको ना, कहते गांधी के देश में, गांधी और बुद्ध के देश में शांति प्रिय से लेकर शूरवीर तक हर कोई पैदा हुआ है। ये कैसे शूरवीर और कैसे शांति प्रिय थे ये बताओ, ये वही है माफी वीर की औलाद। क्या लग रहा है शपथ ग्रहण कौन करते ग्रहण करते? हम तो कहते हैं कि शपथ ग्रहण मोदी जी कर ले कुर्सी पर बैठ के, लेकिन शपथ ग्रहण करेंगे। 10 मिनट अगर उनको खड़ा करवा दीजिएगा तो हम चैलेंज करेंगे, फिर वो गिर जाएंगे बार बार 100%। उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है एकदम, वो प्रधानमंत्री हम तो चाहते हैं कि बन जाए, तब समझ में आएगा जो कुछ देश की जनता जो बाकी है, जो बीजेपी को मौका दिया है उनको समझ में आएगा। और दूसरी बात, गलत कदम तो उठा ही नहीं सकते हैं, जहां गलत कदम उठाएंगे इधर से राहुल जी इसे आंख दिखा देंगे, हम भी खड़े हैं विपक्ष में सामने, गलत नहीं होने देंगे जनता के खिलाफ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 साल बीजेपी कुछ भी हो जाए होने नहीं देंगे। ये 5 साल आने वाले 5 साल जो है बीजेपी के लिए ट्रेनिंग के हैं, विपक्ष में अगली बार कैसे बैठना उस चीज की ट्रेनिंग है ये। थैंक यू सो मच। ले 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 ले।